अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार होंगे। आप तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, काइंडली चैनल सपोर्ट करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करो। तो भाइयों, कल एक वीडियो वायरल हुई राहत फतेह अली खान बहुत बड़ा सिंगर है इस सदी का, इसको कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। सिंगर तो वो बहुत, लेकिन वो इतना घटिया इंसान निकलेगा भाई, इसका अंदाज़ा नहीं था। मेरी मुलाकात हुई थी राहत फतेह अली खान से, आई गेस 2-3 साल पहले। हाँ, तो पहले तो आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ आगे की। पहले आप देखिए वीडियो किस तरह जो है वो ज़बरदस्ती जिसको उसने मारा है अपने मुलाजिम है, या सो कॉल्ड उसको कह रहा है कि मेरे शागिर्द है, जिसको वो इतनी बुरी तरीके से मारा है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं है भाई, कौन सा ऐसा मजहब है जो ऐसी परमिशन देता है कि आप इस तरह कुत्ते की तरह जो है अपने शागिर्द को मारो। तो ये पूरा ड्रामा है। पहले आप ये इसकी वीडियो देखें किस तरह ज़बरदस्ती उससे कह रहे हैं कि भाई देखें वो मेरे उस्ताद है, उसकी शक्ल देखें, उसकी शक्ल पर डर देखें। तो पहले आप ये देखें, उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ कि जो मैं मिला था तो क्या हुआ था। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये एक उस्ताद और एक शागिर्द के मामले, आपसी मामले की ये बात है। और ये वो मेरा शागिर्द है, बच्चा है मेरा, और ये उसके वालिद साहब है नफीस अहमद साहब, ये नवीद हसनैन है। और ये एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। जब कोई शागिर्द अच्छा काम करता है तो हम उतना ही प्यार भी देते हैं, और अगर कोई गलती होती है तो हम उसको पनिशमेंट भी देते हैं। बहरहाल ये नवीद हसनैन है, आप इसकी जुबानी पूछ लीजिए आप क्या हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वो जो जिस मॉडल की बात हो रही है वो पीर साहब का दम किया हुआ पानी था, वो मुझसे मैं कहीं रख के भूल गया था, मुझे इस बात का नहीं था उस टाइम पता कि मैंने कहाँ रखी है। तो वो मेरे बाप है, मेरे उस्ताद है, ये प्यार भी हम हमारे साथ इतना करते हैं कि खुदा जानता है ये जिसने भी ये हरकत की है, ये सीधी सीधी ब्लैकमेली है मेरे उस्ताद जी को बदनाम करने की। ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, मेरे उस्ताद जी हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम इनके औलाद हैं, इनके बच्चे हैं, मेरे वालिद साहब साथ खड़े हैं। ये नफीस साहब हैं इनके वालिद। और मैं एक और बात कोट करूंगा, मैंने इससे उसी वक्त मैंने माफी भी मांगी इससे, बनता नहीं है इनका, इनका बड़ा बनना। तो गाइस, ये आपने देखी वीडियो के किस तरह जो है उसने इसको डरा के और कह रहे हैं कि मेरे उस्ताद हैं और मेरे वालिद साहब हैं, और मतलब इस तरह की बातें अब पब्लिक जो है बची नहीं है भाई, सोशल मीडिया का दौर है। तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक कंपनी में था पहले, उसका नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा। तो वहाँ पे इनका शो था, जो कंपनी के ओनर थे उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने उनको वहाँ पे इनवाइट किया। तो जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, वो सिक्योरिटी हेड, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला मैं आपको रात से मिलाऊँ, क्योंकि रात का मैं भी फैन हूँ और था बल्कि, क्योंकि वो जिस तरह के गाने गाते हैं और पूरी दुनिया में वो कितने फेमस हैं तो आप सब जानते हैं। तो मैंने भी कहा ठीक है यार, मिलते हैं राहत फतेह अली खान से, एक अपॉर्चुनिटी उनसे मिलने की। तो ये तो तस्वीर भी आप देख रहे होंगे मेरी, जो जब मैं इनसे मिला था तब की तस्वीर है, और मैंने थंबनेल में भी लगाई ताकि आप लोग देख सकें। तो भाई हुआ ये कि जब वो राहत फतेह अली खान साहब जब पहुंचे, तो उनको ऑफिस में हमारे गेस्ट रूम टाइप का था, वहाँ पे उनको वेट करवाना था, वहाँ पे बिठाना था, तो मैं भी साथ था। तो उनके पास एक बॉटल थी, और वो बॉटल उसका कलर भी थोड़ा अजीब सा था। तो मैं ये सोच रहा था यार कि ये क्या पी रहे हैं, तो मेरे जहन में उस टाइम नहीं है कि क्या पी सकते हैं। तो जिसकी वो बात कर रहे हैं वीडियो में भी कि भाई वो बोतल जो है वो पीर साहब का दम गया हुआ पानी था, मतलब ये इस तरह का, मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब पीर साहब का दम गया हुआ पानी, और जिस तरह वो उसको मार रहे हैं, जिस तरह जूतों से उसके मुंह मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं और उसके लाते उसको मार रहे हैं पीर साहब के पानी के लिए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पागल बनाने वाली बात है। तो भाई तो मैंने ये देखा उस टाइम कि यार वो कुछ पी रहे हैं, तो और वो कुछ अजीब सा था। तो मेरे जहन में बात यही, ये क्या है, और उनकी आंखें भी कुछ इस तरह की थी, रेड टाइप की उनकी आंखें होती थी, जो पी के जो हो जाती हैं रेड आंखें। लेकिन यकीन करें मैं ये सोच नहीं सकता था कि भाई ये इस तरह की हरकतें ये लोग कर सकते हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटी और इस इतना बड़ा सिंगर, और वो इस तरह की चीज़ें पिए और इस तरह करे, और उसको बोले बोतल, मतलब पानी की बोतल, वही पीर साहब की दम की पानी की बोतल। तो मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन मुझे आज पता लगा वो बोतल क्या थी भाई। तो जब ये देखा कि जिस तरह उसको मार रहे कि बोतल कहाँ गई तो पी गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो भाई पानी की पीर साहब की बोतल नहीं थी, वो एक्चुअली जो है वो कोई और बोतल थी, आप समझ सकते हैं वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो बड़ा अफसोस हुआ, और मैं जितना उनका बड़ा फ़ैन था, मैं यकीन करें बड़ा डिसहार्ट हूँ कि मैं इनका बड़ा फ़ैन क्यों था, कि अगर आप इतने बड़े गायक हो, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो, आपको इतना बड़ा इंसान भी होना चाहिए, और अंदर से आपको अखलाक ऐसा होना चाहिए कि दुनिया बोले वाकई में यार ये बंदा है। आप जब सोशल मीडिया पे आते हैं, जब टीवी पे आते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं, आप इंडिया गए, लोगों से इस तरह बात कर रहे हैं, इतनी तमीज से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इनसाइड में कुछ और है, आपका अंदर कुछ और है, तो ये किस तरह आप कर सकते हैं? डुअल पर्सनैलिटी जो है इंसान बहुत खतरनाक होता है, और जिसका सबूत और जिसकी जो वीडियो वायरल हुई, इनकी जो पर्सनैलिटी सामने आई, तो भाई बड़ा अफसोस हुआ। और तमाम पूरी दुनिया में भी वीडियो वायरल चल रही है, लेकिन इनका आप ये देखें किस तरह डरा धमका के उस बेचारे जो उनका जो शागिर्द है उसको कैसा मारा,
और डरा धमका के उसके सामने ताकि भाई ये मामला यहाँ दबा दिया जाए, लेकिन ये मामला ऐसे दबेगा नहीं क्योंकि दुनिया बची नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अकलमंद हो चुके हैं भाई। जिस तरह आपने उसको मारा है इतना बुरी तरह से मारना और जानवरों की तरह आपने उसको मारा है, और ऊपर से आप कह रहे हैं मेरा शागिर्द है, ये शागिर्द कैसे शागिर्द है भाई? ये कोई भी इस्लाम या कोई भी मजहब इस तरह की इजाजत नहीं देता, या कोई भी प्रोफेशन, भले आप उस्ताद हैं भाई, कितने बड़े सिंगर हैं, लेकिन आपको ये परमिशन नहीं है कि आप इस तरह उसको मारेंगे। तो मैंने सोचा भाई मैं भी शेयर करूं कि जो जब मैं इनसे मिला था तो वो जो पी रहे थे वो क्या था, वो पानी नहीं था या कोई और चीज़ नहीं थी, वो क्या चीज़ थी वो आप सब समझ चुके होंगे। तो भाई बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जिसको जिनको पूरी दुनिया लाइक करती है, जिनको पूरी दुनिया में जिनका नाम है, वो इस तरह की हरकतें करें तो भाई ये डाउन होता है, हमारे पाकिस्तान का नाम डाउन किया उन्होंने और इंडिया वाले भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो भाई बड़ा अफसोस हुआ और सोचा नहीं था कि राहत फतेह अली खान साहब इस तरह की जो है वो हरकत भी कर सकते हैं और इस तरह की इनसाइड पर्सनैलिटी उनकी इस तरह की हो सकती है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो इंसिडेंट हुआ है आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग इसको किस तरह जो है वो लेते हैं, ऐसा होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? मेरी नज़र में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, भले उस्ताद कितना बड़ा भी उस्ताद हो लेकिन अपने शागिर्द को इस तरह जानवरों की तरह नहीं मार सकता। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।